नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। उन्नाव पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन थाना मोरावा पुलिस व स्वॉट टीम व सर्विलांस टीम ने किया हत्या की घटना का अनावरण। मंगली प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामचरण निवासी झलऊ मजरा हिलौली थाना मोरावा में तहरीर देकर अपने ही गांव के लाला पुत्र नवी बख्श चिकवा के विरुद्ध धारा 363/366 IPS व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया था। बाद में जब सरसों के खेत में मृतका का नाम शिवानी पुत्री मंगली प्रसाद निवासी झलऊ मजरा उपरोक्त का शव प्राप्त हुआ तो पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र एवं सही अनावरण हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा किया गया खुलासा बेहद चौंकाने वाला एवं हैवानियत को उजागर करने वाला है। उन्नाव से सनोज कुमार की रिपोर्ट। 13 तारीख को एक सूचना दी गई थी, जिसमें मंगली प्रसाद हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि उनकी जो पुत्री है वो गायब है। तो FIR लिखी गई थी 363/66 और पॉक्सो भी लगा था। उसमें उन्होंने एक नामजद अभियुक्त किया था जिसका नाम है लाला, मोहम्मद लाला पुत्र नवी बख्श चिकवा। बाद में उसी दिन शाम को उस बच्ची का शव एक सरसों के खेत में वहीं पे बरामद हुआ था। इसमें मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण सबके द्वारा किया गया, मैं भी पहुंचा था। हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया था, फॉरेंसिक की टीम आई थी, सर्विलांस की टीम भी मौके पे आई थी। तो इन्होंने शुरू में जो ये वादी थे उस केस में, बाद में जब इसमें हम लोगों ने अच्छे से इसकी पड़ताल की तो पता चला है कि ये जो माता पिता उसके हैं, इसमें माता तो उसकी सौतेली माँ है और पिता, इन दोनों ने ही मिलकर इस बच्ची की हत्या की थी। घर में ही दुपट्टे से गला घोटकर इनकी हत्या की थी। और जो तीसरा अभियुक्त है काली प्रसाद, उसकी मदद लेकर इसके पिता ने वहाँ से घर से निकलकर मोटरसाइकिल से ये बच्ची की लाश को उन्होंने सरसों के खेत में रख दिया था। ये इन्होंने कोशिश की थी कि एक जिस जो ये लाला है, जो नामजद अभियुक्त उन्होंने 363/66 केस में किया था, कि इस मामले को उस पर, चूँकि इससे पुरानी अनबन थी, तो इन्होंने ये कोशिश की थी कि ये मामला को उस दूसरे पे उनको बेवजह उनको नामित कर दिया जाए ताकि पुलिस का ध्यान भी भटक जाए। इसके लिए हम लोगों की टीमें लगातार काम कर रही थी और सर्विलांस की मदद से और थाने की पुलिस ने इसको सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि पूरी तरह से यह आया है कि ये जो सौतेली माँ थी ये अपनी बच्ची को पसंद नहीं करती थी, तो इसने अपने पति को भी, जो बच्ची का पिता है, उसको भी उसके खिलाफ भड़काया, जिससे कि दोनों मिलकर, दोनों ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि अब इसको जान से मार देना है। और फिर प्लान वे में गला घोट कर घर में ही बच्ची की हत्या कर दी थी। और जो तीसरा अभियुक्त है काली प्रसाद, उसको बुलाकर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके उसकी लाश को उन्होंने ठिकाने लगाया सरसों के खेत में। जो आला कत्ल का जो दुपट्टा है और जो मोटरसाइकिल है, ये सब बरामद हो गया है। जो तीनों अभियुक्त हैं उन्होंने जुर्म इकबाल कर लिया है पुलिस के सामने और अब इनको हम लोग माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस ने जो ये काम किया है उनको कोई रिवार्ड दिया जाए? देखिए, ये अच्छा गुड वर्क है, तो जो पुलिस की टीम है उसको मेरी तरफ से 20,000 रुपये नगद का पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं। दूसरी वाली